इंदौर के लालबाग परिसर में इन दिनों तुलादान किया जा रहा है, जहां दलिया, गुड़ और नमक से गाय को समर्पित तुलादान किया जा रहा है। बता दें कि सनातन धर्म में तुलादान का विशेष महत्व माना जाता है। बता दें कि यह तुलादान इंदौर के लालबाग परिसर में चल रहे 9 दिवसीय गौ महोत्सव में किया जा रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग तुलादान करने के लिए पहुँच रहे हैं। स्वामी गोपालानंद सरस्वती ने बताया कि सनातन धर्म में तुलादान करने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलादान करने से पापों का क्षय होता है और व्यक्ति के जीवन में भाग्य का उदय होता है। व्यक्ति की हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। उन्होंने बताया, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय को खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना ही काफ़ी माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गौ माता के लिए तुलादान करता है, उसे सभी देवी देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व आनंद का भी उदय होता है। उन्होंने बताया कि तुलादान की परंपरा अत्यंत पौराणिक से चली आ रही है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान किया था, उसके बाद राजा अम्बरीश, परशुराम, भक्त प्रहलाद आदि ने भी तुलादान किया। जय गो माता, जय गोपाल। जैसा कि महाराज जी आपने बताया कि तुलादान का भी कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ हो रहा है? इसमें नमक, गुड़ या दलिये से तुलादान होता है व्यक्ति का जी। और वो नमक, गुड़ और दलिया इत्यादि जो तोला जाता है, वो गाय माताओं को भोजन में जिमाया जाता है, सेवा में। और पुराणों में ऐसा लिखा है कि तुलादान करने से हमारे पापों का क्षय होता है, मन में पवित्र विचार पैदा होते हैं और उसके बाद अच्छे कर्म में हमारा मन अधिक लगता है, इसलिए तुलादान अवश्य करवाना चाहिए। ठीक है महाराज जी, एक बार शुभ नाम बताइएगा। मुझे संत महापुरुषों ने मिलकर के स्वामी गोपालानंद सरस्वती नाम दिया है। आभार महाराज।